Guys, the first thing here, database, we have the database. Now, database के ऊपर हमें understanding, अगर database के ऊपर कोई भी operation perform करना है तो we need a something जो database से interact करेगा. Yes or no guys? ये database के साथ interact करने वाला कुछ तो mechanism चाहिए हमें. Yes or no everyone? We need a kind of mechanism which will communicate with this database. तो वो database के साथ communicate करने के लिए guys we need a kind of a language जो simply database के साथ काम करेगा, database के ऊपर execute होगा. So guys we have SQL language जो industry में famous भी है और use भी होती है. SQL stands for guys anyone? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या फिर स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको. सो एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सो गाइस इट इज काइंड ऑफ क्वेरी लैंग्वेज. ये क्वेरी लैंग्वेज है इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड. इसका एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है. एक स्ट्रक्चर आपको सिंपली क्वेरी लैंग्वेज जो है, ये क्वेरी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है. Why in that structured format? It is very important, guys. क्योंकि जो database है, database won't be able to understand other type of request other than उसको जो पता है. Okay? तो simply अगर आपको इस database के ऊपर कुछ interaction करना है, database के ऊपर कुछ simply आपको कुछ operation perform करना है, तो database के accordingly ही आपको query simply query send करना पड़ेगा. तो guys SQL stand for structured query language. So in a simple word, it is a language which interacts with the database or which performs the actions on a database. Structured query language, SQL, is a kind of language which works on a database या फिर which performs different action on a database. जैसे database पे हमें क्या action perform करना हो सकता है guys? डेटाबेस के ऊपर हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस के अंदर वी कैन ऐड द डेटा, दैट इज इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग. यस और नो? वी कैन इंसर्ट द डेटा, वी कैन अपडेट द डेटा. जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अपडेट कर सकते हैं, दैट इज मॉडिफाई कर सकते हैं. हम लोग डेटा को डिलीट भी कर सकते, डेटा को गाइस रिट्रीव भी कर सकते, करेक्ट? डेटाबेस के अंडर गाइस जो डेटा है उस डेटा को रिट्रीव भी कर सकते. देन हम लोग ऐसे बहुत सारे एक्शन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं गाइस. तो सिंपली अगर मुझे डेटाबेस के अंडर कुछ डेटा है, लेट्स से आई नीड टू इंसर्ट द न्यू डेटा, आई नीड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डेटा, आई नीड टू डिलीट द डेटा, आई नीड टू रिट्रीव द डेटा, और भी एक्शन हम लोग कर सकते हैं गाइस. सो अगर ये पर्टिकुलर एक्शंस मुझे डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करने हैं, फॉर दैट we need a kind of language which can interact with the database. तो database के साथ जो language interact करेगा, उस language को we are going to consider as a structured query language. Clear everyone? SQL का meaning? SQL stand for structured query language. It is a language which interacts or which performs different action with the help of SQL. We can perform different actions on a database. क्लियर टू एवरीवन? गाइस एसक्यूएल का मीनिंग. नाउ अभी ये जो एसक्यूएल आता है गाइस, एसक्यूएल के अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज लैंग्वेजेस वन बाय वन. बट सबसे पहले गाइस एसक्यूएल के अंडर एक जो पार्ट हमें अंडरस्टैंड करना है, विच इज कॉल्ड एज अ DBMS. DBMS, व्हाट इज DBMS गाइस? DBMS का मीनिंग क्या होता है? यस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट गाइस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो एग्जैक्टली ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? जैसे गाइस फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर फाइल स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल गाइस यहाँ पर मुझे रिलेटेड टू ऑटोमेशन को स्टोर करना था, तो दीज आर ऑल माई फाइल स्टोर हियर, राइट? अगर मुझे कोई सिंपली रिकॉर्डेड सेशन स्टोर करना है, ये रिकॉर्डेड सेशन मेरे स्टोर हो रहे हैं, तो सिंपली इसको आप बोलोगे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे फाइल्स को, डेटा को स्टोर करता है, फाइल्स को स्टोर करता है. दिस इज काइंड ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम.
नाउ गाइस, अगर हम लोग किसी सीआरएम को यूज करते हैं, आप लोगों ने सीआरएम वगैरह देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, सिंपली अगर मैं अमेजोन पे जाता हूँ तो अमेजोन इज हैविंग वन ऑफ द सिस्टम जिसके थ्रू इनका ऑर्डर मैनेज होता है, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, सीआरएम, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, राइट गाइस? सीआरएम आपने सुना होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। आपने ईआरपी सुना होगा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, राइट गाइस? आप लोगों ने टैली यस वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर्स यूज किए होंगे, किसी ने अगर कोई सिंपली अकाउंटिंग का वगैरह काम करते होंगे, किसी ने गाइस अपने कंपनीज में कोई सीआरएम टूल्स यूज किए होंगे, किसी ने गाइस प्रीवियसली अगर आप लोगों ने कुछ डेटा वगैरह देखा होगा तो डेटा वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ यूज किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रेड बस पे जाता हूँ तो ये पर्टिकुलर रेड बस इज अलाउज अस टू यू नो सिंपली बुक इट अलाउज अस टू बुक द बसेस, राइट? बसेस अगर हमें बुक करना है, बस टिकट बुक करना है, तो वी कैन सिंपली बुक द बस टिकट बाय यूजिंग रेड बस। सो इट प्रोवाइड्स अस द काइंड ऑफ सिस्टम जिसके थ्रू हम लोग गाइस अपना यू नो टिकट बुक कर सकते हैं। बट जब भी हम लोग टिकट सर्च करेंगे, टिकट का डेटा कहाँ से आ रहा है? डेटाबेस से आ रहा है। हम लोग टिकट बुक कर रहे हैं तो टिकट का एंट्री कहाँ पर, हमारा सीट रिजर्व हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? डेटाबेस के अंडर हो रहा है। तो गाइस सिंपली वी नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे हर एक सिस्टम जो होता है वैसे एक डीबीएमएस भी एक सिस्टम है विच इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो गाइस इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम विच इज यूज फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। तो डेटाबेस मैनेज करने वाले सिस्टम को हम लोग डीबीएमएस बोलते हैं। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मीनिंग क्या होगा गाइस? इन शॉर्ट, डीबीएमएस इट इज अ सिस्टम विच अलाउज अस टू मैनेज द डेटाबेस। डीबीएमएस इज अ सिस्टम विच इज अलाउज टू मैनेज अस द डेटाबेस। सो एग्जैक्टली डेटाबेस होता क्या है? सो डेटाबेस इज समथिंग जो हमारा डेटा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर होगा, उस सेंट्रलाइज लोकेशन को हम लोग बोलेंगे डेटाबेस। सो इन अ सिंपल वर्ड गाइस, डेटाबेस इज समथिंग जो कि इन अ सिंगल वर्ड वी कैन अंडरस्टैंड कि जो गाइस डेटाबेस होता है, डेटाबेस इज समथिंग सेंट्रलाइज स्टोरेज, सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज जो होगा उस सेंट्रलाइज स्टोरेज को हम लोग बोलेंगे डेटाबेस। सो आर डेटाबेस इज समथिंग सेंट्रलाइज स्टोरेज, सेंट्रलाइज आपका जहां पर डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीबी, दैट इज डेटाबेस। डेटाबेस इज नथिंग बट द सेंट्रलाइज स्टोरेज जहां पर आपका ईच एंड एवरी डेटा रिकॉर्ड सारा डेटाबेस के अंडर स्टोर होगा। तो ये जो डेटा स्टोर होता है, डेटा स्टोर करने वाले सिस्टम को या फिर डेटा के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने वाले सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस। सो डीबीएमएस इज नथिंग बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम गाइस। इट इज अ सिस्टम विच अलाउज अस टू इंसर्ट द डेटा, हमें डेटा इंसर्ट करने के लिए अलाउ करेगा, दैट इज न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए अलाउ करेगा। इट कैन अलाउज अस टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, दैट इज मॉडिफाई द डेटा, हम लोग डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं गाइस, ठीक है? मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग डेटा को, देन हम लोग या फिर इन अ सिंपल वर्ड गाइस हम लोग अपडेट कर सकते, अपडेट हम लोग डेटा को अपडेट कर सकते, हम लोग डेटा को डिलीट भी कर सकते, राइट? इन शॉर्ट गाइस हम लोग डेटा के ऊपर वी कैन परफॉर्म द मैनिपुलेशन, वी कैन इंसर्ट द डेटा, न्यू डेटा इंसर्ट कर सकते, एग्जिस्टिंग डेटा को मैनिपुलेट कर सकते, अपडेट कर सकते, डिलीट कर सकते, राइट एवरीवन? वी कैन मैनिपुलेट द डेटा, सिंपली वी कैन डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव भी कर सकते, दैट इज वी कैन फेच द डेटा, वी कैन फेच द डेटा एज वेल, हम लोग डेटा को फेच भी कर सकते, वी कैन इंसर्ट द डेटा, वी कैन मैनिपुलेट द डेटा, वी कैन फेच द डेटा, ऐसे हम लोग बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ऑन अ डेटाबेस। सो गाइस डीबीएमएस इज नथिंग बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज अ सिस्टम व्हिच अलाउज अस टू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फेच द डेटा एक्सेट्रा। ये सारे ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने के लिए, अगर मुझे डेटाबेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सिंपली डेटाबेस गाइस, डेटाबेस जो होगा, डेटाबेस में डेफिनेटली एक डीबीएमएस तो जरूर होगा,
काइंड ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम जरूर होगा जो डेटाबेस में मुझे डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फेच सारी चीजों का जो रिकॉर्ड रखेगा, सारी चीजों को जो मुझे अलाव करेगा, उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यू गॉट इट एवरीवन? क्लियर गाइस? नाउ ये जो डेटाबेस है गाइस, डेटाबेस इज आर काइंड ऑफ सेंट्रलाइज स्टोरेज। अभी ये सेंट्रलाइज स्टोरेज जो होता है डेटाबेस में, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वी कैन क्रिएट द डेटा, मतलब इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। सिंपली डेटाबेस में वी हैव अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट एज वेल, हमारे पास डेटाबेस भी ऑब्जेक्ट होता है। डेटाबेस के अंडर वी हैव अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। सिंपली गाइस सबसे ज्यादा फेमस जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, जो डेटा स्टोर होता है इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल करके एक ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, टेबल के अंडर आपका डेटा स्टोर होगा। टेबल के साथ गाइस यू कैन हैव द रिकॉर्ड्स एज वेल, आपको रिकॉर्ड्स भी मिलेंगे। दैट इज टेबल के अंडर जो रोज होंगे, इन रोज आपके रिकॉर्ड्स स्टोर हो जाएंगे। टेबल होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं गाइस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको अंडरस्टैंड करने। यहाँ पर क्वेरी करके भी एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट? जो हमने देखा था कि सिंपली सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर हमारा जो एपीआई आता है उसको क्वेरी में कन्वर्ट करता है। द सेम क्वेरी गेट्स एग्जीक्यूटेड ऑन द डीबी, डेटाबेस के ऊपर एग्जीक्यूट होती है और हमें डेटा को रिट्रीव या फिर डेटा को फेच करके देती है, डेटा रिजल्ट हमें डिस्प्ले करती है। दैट क्वेरी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड गाइस। यहाँ पर जॉइंस वगैरह भी आएंगे हमें इन फ्यूचर में, तो हम लोग जॉइंस को वगैरह अंडरस्टैंड करेंगे। मल्टीपल टेबल को गाइस हम लोग एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना सीखेंगे, ठीक है? तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें अंडरस्टैंड करना है। वैसे व्यू आता है, ट्रिगर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, बट वी डोंट नीड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज ऑल थिंग्स। फिलहाल आपको आपके लेवल के लिए गाइस, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है डीबी, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, तो गाइस वी विल यू नो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। हम बेसिक्स समझेंगे, जब आपको प्रोजेक्ट अलोकेट होंगे इन दैट केस गाइस आप इन सारी चीजों को और ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, रियलिटी जो रियल टाइम डेटा होगा उसके ऊपर। वी विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस थिंग जिसके ऊपर हम लोग बेसिक चीजों को यू नो यूटिलाइज करेंगे, बेसिक चीजों को हम लोग यूज करके देखेंगे, ओके? तो सिंपली गाइस ये कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे इन अ कमिंग अप टाइम जिसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे, राइट गाइस? सो सिंपली जैसे हमने डीबीएमएस देखा गाइस, लेट मी टेक द डेटाबेस टुवर्ड्स द हियर डेटाबेस गाइस। डीबीएमएस, वैसे डीबीएमएस के तरह गाइस एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड एज आरडीबीएमएस। किसी ने सुना है आरडीबीएमएस के बारे में गाइस? डेफिनेटली सुना होगा, राइट? ड्यूरिंग द कॉलेज डेज गाइस, आरडीबीएमएस। सो व्हाट इज आरडीबीएमएस? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो समथिंग गाइस, आरडीबीएमएस जो होता है दैट इज नथिंग बट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? अगेन गाइस, इट इज अ काइंड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओनली, बट इट इज इन अ फॉर्म ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन एग्जैक्टली क्या होता है? तो गाइस इन अ डेटाबेस यू कैन हैव अ मल्टीपल टेबल। सिंपली आपके पास मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। सो रादर देन आई मीन ड्रॉइंग इट, आई कैन शो यू हियर इटसेल्फ आरडीबीएमएस। तो गाइस आरडीबीएमएस जो होता है समथिंग, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ समथिंग लाइक दिस। आपका आरडीबीएमएस कुछ ऐसा होता है। सो सिंपल लाइक दिस गाइज, आपका आर डी बी एम एस लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। सो आर डी बी एम एस का मीनिंग क्या होता है गाइज? दिस वन। तो जैसे मेरे पास एक कोई टेबल है, लेट्स से आई हैव दिस टेबल, ये टेबल के अंडर हमारा पूरा डेटा है। तो सेम टेबल, ये जो पर्टिकुलर टेबल है, दिस कैन बी कनेक्टेड विथ अनादर टेबल। जैसे गाइज मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल Amazon पे अगर हम लोग सर्च करते हैं, कोई प्रोडक्ट वगैरह सर्च करते हैं, तो प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी डेटा होगा उसके लिए डेफिनेटली उनके बैकएंड में एक ऑर्डर नाम का या फिर ऑर्डर रिलेटेड कोई टेबल होगा। यस और नो गाइस? सॉरी, नॉट ऑर्डर, प्रोडक्ट रिलेटेड गाइस, प्रोडक्ट रिलेटेड एक टेबल तो डेफिनेटली होगा ना Amazon के बैकएंड में, डेफिनेटली होगा। तो उस प्रोडक्ट वाले टेबल में प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, मतलब प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की कैटेगरी, सब कैटेगरी,
उसका प्राइस, उसके ऊपर डिस्काउंट, लाइक उसका सेलर कौन है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन होगी, एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड इन अ काइंड ऑफ टेबल, एक टेबल में स्टोर होगी जो कि प्रोडक्ट टेबल है। अभी ये प्रोडक्ट टेबल, ये प्रोडक्ट कोई ऑर्डर करेगा तो उसका एक ऑर्डर टेबल जनरेट होगा, या फिर एक ऑर्डर डिटेल्स जो होंगे ये आपके ऑर्डर्स टेबल में स्टोर होंगे, जैसे कि ऑर्डर आईडी, ऑर्डर ऑर्डर नंबर हम लोग बोल सकते हैं, या फिर ऑर्डर आईडी बोल सकते हैं, ऑर्डर किसने किया है, कस्टमर नेम, राइट, अमाउंट क्या है, सेलर कौन है, राइट, पेमेंट ऑप्शन क्या है, सीओडी है कि आप लोग कोई ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट कर रहे हो। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑर्डर गाइस आपका ऑर्डर टेबल में स्टोर होगा। नाउ सेम ऑर्डर एक सेलर को भी जाएगा, ये सुनो गाइस, सेलर के पास भी सेलर ऑर्डर या फिर सेलर का सिंपली ऑर्डर्स नाम का एक टेबल रहेगा जो सेलर को दिखेगा, कस्टमर को एक अलग दिखेगा। सो दैट समथिंग सेलर रिलेटेड भी एक टेबल होगा। सो व्हेन यू हैव मल्टीपल डेटाबेस या फिर मल्टीपल टेबल होंगे गाइस, तो मल्टीपल टेबल कैन बी कनेक्टेड विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, उनके बीच में रिलेशंस होंगे। ऐसे टाइप ऑफ सिस्टम को बोला जाता है गाइस आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ काइंड ऑफ एडवांस वर्जन ऑफ योर डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एडवांस वर्जन होता है, जिसमें सिंपली आप लोग मल्टीपल टेबल्स को एक दूसरे से कनेक्टेड कनेक्ट करते हो बाय यूजिंग सम क्वेरीज एंड ऑल। तो दैट इज योर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट गाइस। तो ये आपका रहेगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन वी हैव डीडीबीएमएस एज वेल, डीडीबीएमएस एज वेल, डीडीबीएमएस भी आप लोगों ने सुना होगा, राइट एवरीवन, व्हाट इज डीडीबीएमएस, एनीवन, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम गाइस, लेट मी शो यू डीडीबीएमएस क्या होता है, दिस वन गाइस, डीडीबीएमएस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम का मीनिंग क्या होता है गाइस, मुझे बताओ। जैसे ये अमेज़न है, अमेज़न का ये तो अमेज़न डॉट इन है, अमेज़न का सेंट्रलाइज स्टोरेज कहाँ पे रहेगा, अमेज़न डॉट कॉम। तो सिंपली वो यूएस में कहीं पे रहेगा, सिलिकॉन वैली में हो सकता है, लॉस एंजलिस में हो सकता है, न्यूयॉर्क में हो सकता है, ये सब नो एवरी वन। सो अमेज़न का जो सेंट्रलाइज स्टोरेज होगा, डेफिनेटली वो अमेज़न का सेंट्रलाइज स्टोरेज मस्ट बी एट पर्टिकुलर प्लेस, यस और नो। वो शायद फॉर एग्जाम्पल गाइज हम लोग सिलिकॉन वैली ले लेते हैं, राइट। नेक्स्ट गाइज, अगर वो अमेज़न डॉट इन है तो अमेज़न डॉट इन सर्वर इंडिया में ही होगा, यस और नो एवरी वन। तो शायद हम लोग पकड़ के चलते कि वो बैंगलोर में हो सकता है, DB2 इन बैंगलोर। लेट्स से अमेज़न डॉट यूके है, तो यूके का गाइस अमेज़न डॉट यूके है तो उसका डेटाबेस जो होगा मस्ट बी इन ए यूके समवेयर। हम लोग लंदन वगैरह पकड़ सकते हैं, मैनचेस्टर पकड़ सकते हैं, वट एवर वी वॉन्टेड टू टेक गाइस। तो ये हो गया आपका DB3। लेट्स से गाइस अमेज़न डॉट AU है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वर होगा जो होगा दैट कैन बी समवेयर इन सिडनी और समवेयर गाइस, यस और नो। सो सिंपली ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, यू कैन हैव अ मल्टीपल डेटाबेस, आपके मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं एट डिफरेंट लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल गाइस एक एक कोई भी कंपनी पकड़ के चलते हम लोग, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, तो रिलायंस के ऑफिसेस आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया। तो लेट से उनका एक डीबी है, इनका डेटाबेस है नवी मुंबई में, एक उनका डेटाबेस है गाइस फॉर एग्जाम्पल वो है पुणे में, एक डेटाबेस है बैंगलोर में, एक डेटाबेस है गाइस फॉर एग्जाम्पल लेट से हैदराबाद में। तो वी हैव डिफरेंट डेटाबेसेस हियर, ये डिफरेंट डेटाबेसेस सिंपली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सिंपली एक डेटाबेस अगर फेल हो गया गाइस, फॉर एग्जाम्पल नवी मुंबई या फिर मुंबई का डेटाबेस फेल हो गया, तो सिंपली वो जो ट्रैफिक है इट विल बी रिडायरेक्टेड टू द पुणे वाला सर्वर, पुणे वाला डेटाबेस। अगर दो फेल हो गए यू हैव द बैकअप कॉपीज। तो आज के टाइम में गाइस सिंपली आपको मल्टीपल डेटाबेस या फिर डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस पे आपको
डेटा को स्टोर करना होता है, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस है, ये दीज डेटाबेसेस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रलाइज, एक जो डीबीएमएस होगा, सेंट्रलाइज डीबीएमएस से कनेक्ट होगा, उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यू गॉट इट राइट एवरीवन? और सिंपली जो ग्लोबल यूजर होगा, ग्लोबल यूजर विल बी यू नो इंटरैक्टिंग विद द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बट ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज गोइंग टू रिडायरेक्ट द रिक्वेस्ट टू द डिफरेंट सर्वर। जो भी सर्वर एट ए टाइम अप होगा, उसके साथ आपके डेटा को रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो बैकएंड में क्या होता है गाइस, वी आर अनअवेयर अबाउट इट, बट यस देर आर सर्टन कॉन्सेप्ट जो इंडस्ट्री में यूज होता है। सो गाइस, दिस इज योर डीडीबीएमएस, दैट इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटेड 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 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो गाइस, पहले नॉर्मली डीबीएमएस आता था, जो कि एक ही लोकेशन पे एक ही टेबल, गई सिंपली एक ही डेटाबेस में एक ही टेबल होता था, एक ही टेबल में हम लोग हमारा डेटा स्टोर करते थे। दैट वाज अ काइंड ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थोड़ा थोड़ा गाइस ये अप्रोच में थोड़े से ड्रॉबैक निकलना स्टार्ट हो गया, तो लेटर ऑन आरडीबीएमएस को गाइस इंट्रोड्यूस किया गया। आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ही डेटाबेस में मल्टीपल टेबल होंगे, और वो मल्टीपल टेबल कैन बी कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय यूजिंग सर्टन रिलेशन। वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन वी हैव अ डीडीबीएमएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम गाइस। सो समथिंग ऐसे डेटाबेसेस के अलग अलग अप्रोचेस आते हैं। वी नेवर नो आपके कंपनी में डीबीएमएस फॉलो होता है, आरडीबीएमएस फॉलो होता है, डीडीबीएमएस फॉलो होता है गाइस, दैट इज देयर कॉल, जो भी है उनका कॉल है। इसके लिए गाइस आरडीबीएमएस डीडीबीएमएस इनको मैनेज करने के लिए यू नीड द ईटीएल का अंडरस्टैंडिंग, आपको ईटीएल का अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए। बट ओवरऑल गाइस हम लोग डीबीएमएस के ऊपर काम करेंगे। विल अंडरस्टैंड द बेसिक क्वेरीज। वंस यू गाइज आर कंफर्टेबल विद द बेसिक क्वेरीज, इन फ्यूचर आप अपने आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल सेट को एक्सप्लोर करके, इफ यू वॉन्ट टू लर्न, इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आप वहां पर भी जा सकते हो। वहां पर इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गाइज, आजकल आप लोगों ने डेटा एनालिटिक्स सुना होगा, राइट एवरीवन, डेटा एनालिसिस सुना होगा, डेटा इंजीनियरिंग सुना होगा आपने, बिग डेटा, हडूप, नो एसक्यूएल, मोंगो डीबी एंड ऑल, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो दीज आर द डिफरेंट गाइस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट सिस्टम्स यूज होते हैं टू मैनेज योर डेटा इफिशियंटली। तो गाइस हम एक सिंपल जनरलाइज अप्रोच यूज करेंगे डीबीएमएस का, इन फ्यूचर आप बाकी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइस मुझे बताओ, आज के टाइम में डेटा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? जब हम लोग डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है राइट, सोशल मीडिया के थ्रू गाइस। नॉर्मली आप देखो, पहले का फेसबुक और अभी का फेसबुक, देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस राइट। पहले तो सिर्फ पोस्ट आते थे, आजकल गाइस नॉर्मली पोस्ट के बाद तो थोड़े थोड़े इमेजेस पोस्ट लोगों ने स्टार्ट कर दिया। आज के टाइम पे वीडियोज, रील्स एंड ऑल गाइस, डेटा इज इंक्रीजिंग एंड यू नो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेटा जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। बट वी गाइस, जैसे डेटा अगर इंक्रीज हो रहा है, डेटा को मैनेज करना इज समथिंग अ चैलेंजिंग जॉब फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, यस और नो? डेटा को मैनेज करना इज अ काइंड ऑफ चैलेंजिंग फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे चैलेंजिंग रोल में से एक हो गया है गाइस आजकल। तो ये डेटा, इसीलिए डेटा रिलेटेड जो स्किल्स है या फिर डेटा रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स है इंडस्ट्री में, वो कम है और उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, बिकॉज डेटा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। डेटा गाइस वी कैन नॉट इमेजिन वो ड्रास्टिकली इतने मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डेटा इंक्रीज हो रहा है। और डेटा अगर एक्सपोनेंशियल मैनर में अगर इंक्रीज होगा, तो उसको मैनेज करना भी तो इस काइंड ऑफ डिफिकल्ट टास्क, अ टीडियस टास्क आई कैन से। तो गाइस सो हियर वहां पे आपको डेटाबेस मैनेज करने वाले प्रोफेशनल्स भी लगेंगे। तो इंडस्ट्री इज नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ क्वालिटी, जो प्रोफेशनल्स है वो नहीं मिलते हैं। तो दिस इज द रीजन गाइस, ये जो रोल्स है वो
चैलेंजिंग है, इसीलिए ये डिमांडिंग रोल्स भी है और इनमें सैलरीज भी बहुत अच्छी मिलती है आप अगर सिर्फ सैलरीज के ऊपर फोकस करते हो तो। बट गाइज बिफोर लुकिंग इन टू दिस ये एग्जैक्टली क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ओके इन फ्यूचर गाइज आप डेटा रिलेटेड रोल को भी एक्वायर कर सकते हो। सो गाइज जब आप ऑटोमेशन टेस्टिंग समझ रहे हो तो ऑटोमेशन टेस्टर को गाइज ये सारी चीजें इन फ्यूचर यूज करने मिलती है, इवन मैनुअल टेस्टर को भी मिलती है। तो इफ यू हैव योर इंटरेस्ट, इफ यू हैव द गाइज गट्स, तो सिंपली यू गाइज कैन एक्सप्लोर दीज टाइप ऑफ करियर्स इन फ्यूचर। इन 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 टाइप ऑफ करियर्स को गाइज आपको सिंपली परस्यू करना बहुत ईजी हो जाता है वंस यू आर इन टू दिस इंडस्ट्री। ओके तो गाइज सिंपली वी आर गोइंग टू डिसाइड, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसक्यूएल, एंड एसक्यूएल इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो गाइज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज गोइंग टू वर्क वर्क और परफॉर्म सर्टन एक्शंस ऑन द डेटाबेस। तो डेटाबेस के अलग अलग हम लोगों ने फॉर्म सीखे, तो इसमें किसी को क्वेरीज गाइस, डू वी हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस? किसी का कोई क्वेश्चन? आतिक, रवि, वर्षा, श्रद्धा, कामिनी, एनी क्वेश्चन गाइस? नहीं ओके देन गाइस ये जो एसक्यूएल आता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी जो लैंग्वेज आता है, ये हम लोग डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो डेटाबेस के ऊपर अगेन ये जो एसक्यूएल होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी अलग अलग टाइप ऑफ लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होता है। ठीक है जो एसक्यूएल होता है सिंपली योर एसक्यूएल के भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। सो इसके इसके अंडर भी सब लैंग्वेजेस, सब कैटेगरीज आती है। तो सबसे पहला जो लैंग्वेज आता है दैट इज नथिंग बट डीडीएल लैंग्वेज। डीडीएल लैंग्वेज, तो डीडीएल लैंग्वेज क्या होता है? एनीवन? डेटा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देन यू हैव, आपको डीएमएल लैंग्वेज आता है। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देन वी हैव गाइस डेटा मैनिपुलेट करने के बाद डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल। देर इज अ डीक्यूएल, डीक्यूएल स्टैंड्स फॉर डेटा क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है डेटा क्वेरी लैंग्वेज आती है। देन वी हैव डीसीएल, डीसीएल दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा कंट्रोल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। दैट्स इट गाइस, दीज आर आई मीन कुछ लैंग्वेजेस की कैटेगरीज है एसक्यूएल के अंडर जो हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखेंगे। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिनको हम लोग वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ओके तो गाइस ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले वी शुड बी हैविंग एटलीस्ट, अगर हमें एसक्यूएल परफॉर्म करना है तो गाइस हमें एक डेटाबेस की जरूरत है। सो सिंपली वी नीड टू इंस्टॉल द डेटाबेस इन टू आर सिस्टम। तो गाइस दो तरीके से आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो, या तो आप ऑनलाइन कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा ऑनलाइन अवेलेबल, आपको गाइस सिंपली वेब एप्लीकेशन जो प्रोवाइड करेगा यू गाइस कैन यूज दैट, और सिंपली यू कैन यूज द यू नो यू गाइस कैन यूज द सिंपल सिंपल वर्जन आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं इनटू योर सिस्टम। ओके तो सिंपली गाइस आई थिंक आई मस्ट बी हैविंग द डीबी हियर विथ मी, मेरे पास होना चाहिए, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। यस गाइस आई डू हैव हियर। तो आई हैव ओरेकल, ओरेकल सर्वर जो गाइस सिंपली हम यूज करते हैं, वी कैन यूज दिस वन। हम लोग ओरेकल इंस्टॉल कर सकते हैं, वी कैन डू दैट गाइस, हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड सेकेंडली आप लोग कोई भी वेब एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। सिंपली वेब एप्लीकेशन में आपको W3 स्कूल मिल जाएगा गाइस, देर इज अ W3 स्कूल। यहाँ पर आप जाओगे तो समवेयर यू गाइस कैन फाइंड अ एसक्यूएल टैब, लर्न एसक्यूएल या फिर ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करो, यू विल बी एबल टू गाइस रन योर क्वेरीज ओवर हियर। आप यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरीज को रन कर सकते हो, क्वेरीज को सिंपली यू कैन रन इट हियर। ओके
या फिर गाइस सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूटर एडिटर ऑनलाइन, या फिर एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटर, या फिर एडिटर एसक्यूएल क्वेरी एडिटर. सो हियर यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट लिस्ट ऑफ ऑनलाइन कंपाइलर, माई कंपाइलर, ऐसे बहुत सारे एडिटर आपको मिल जाएंगे. हियर यू कैन आई मीन यू गाइस कैन यूज इट, आपको जो भी करना है. तो सिंपली यहाँ पर बेस्ट 10 एडिटर भी दिए हैं इन लोगों ने, तो यू गाइस कैन चेक, आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो. ये तो समथिंग डिफरेंट है. तो सिंपली आप MySQL एडिटर पे वगैरह जाओ, यू विल बी एबल टू रन योर SQL कोड. हियर यू गाइस कैन सिंपली एग्जीक्यूट योर कोड. तो आपके ऊपर है गाइस किस तरीके से आप करना चाहते हो. सेकेंड लाइक आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, बट आल गाइस अगर आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो तो आल गिव यू सम रेफरेंसेस, सम लिंक्स जहां से आप लोग SQL सर्वर को इंस्टॉल करोगे. सिंपली गाइस समथिंग दिस SQL, ओके दिस इज माय ऑफलाइन डेटाबेस, जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी गो. जस्ट अ मिनट, समवेयर हियर आई मस्ट बी हैविंग. MySQL कनेक्ट, ओके MySQL इज देयर. ओके सो आई चेक द इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स होंगे दैट आई वुड बी एबल टू प्रोवाइड यू गाइज इन फ्यूचर. डोंट वरी, ठीक है. SQL के स्टेप्स हम लोग देख लेंगे जो हमें इंस्टॉलेशन के लिए यूज करना है. आई विल गिव यू द लिंक्स गाइस, आप इसको आई विल बी शेयरिंग द लिंक्स, आप इसको डाउनलोड करके रखना. वी विल बी डूइंग द इंस्टॉलेशन टुमारो, कल हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे एंड वी विल बी यू नो सिंपली स्टार्टिंग आर SQLs फ्रॉम राइट फ्रॉम द राइट फ्रॉम टुमारो. सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ काइंड ऑफ डेटाबेस. हमारे बैकएंड में एक हमें डेटाबेस की जरूरत है, दैट इज काइंड ऑफ सेंट्रलाइज स्टोरेज की हमें जरूरत है. तो वी विल बी सिंपली इंस्टॉलिंग द डेटाबेस, और उस डेटाबेस के साथ हम लोग गाइस कुछ क्वेरीज, हम लोग क्वेरीज रन करेंगे जिसके थ्रू डेटाबेस के ऊपर कुछ एक्शन होगा. एंड वी विल बी एबल टू सिंपली गाइस अंडरस्टैंड कि कौन सा एक्शन एग्जैक्टली परफॉर्म हो रहा है या फिर क्या एग्जैक्टली हो रहा है. ओके एंड गाइस वन मोर थिंग, हमें एक और चीज को समझना है, दैट इज क्वेरी. ये क्वेरी होता क्या है? सो गाइस क्वेरी इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म. क्वेरी इज काइंड ऑफ मैकेनिज्म जो कि सिंपली डेटाबेस के ऊपर गाइस ये क्वेरी फायर होता है, या फिर डेटाबेस पे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होता है. एंड क्वेरी के अगेंस्ट, क्वेरी में आप कुछ कुछ आपने काइंड ऑफ सिंटैक्स, दैट इज गाइज SQL को अगर देखोगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ये क्वेरी लैंग्वेज है इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड. तो आपका क्वेरी एक स्ट्रक्चर में होता है, तो उस क्वेरी को अंडरस्टैंड करता है DB, डेटाबेस उसको अंडरस्टैंड करता है. एंड डेटाबेस इज गोइंग टू यू नो रिस्पॉन्ड अपॉन द क्वेरी रेज्ड, उसको जो भी क्वेरी रेज्ड किया है उस पर्टिकुलर क्वेरी को रिस्पॉन्ड करता है. सो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेरीज देखने वाले हैं. कोई क्वेरीज हमें DDL टाइप के होंगे, कोई DML टाइप के होंगे, कोई DQL टाइप के होंगे, कोई DCL टाइप के होंगे. सो वी वोंट बी गाइस वी वोंट बी सीइंग दिस DCL, वी डोंट नीड दिस वन. DCL की हमें जरूरत नहीं है. मोर ओवर DDL DML DQL के बारे में हम लोग ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करेंगे इन कमिंग अप टाइम. एंड अगेन गाइस फॉर योर रेफरेंस, यू गाइस कैन यूज सम वेबसाइट्स लाइक जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, W3 School. गाइस इस पर्टिकुलर W3 School पे जाके आप लोग समवेयर हियर SQL जाके आप रेफर कर सकते हो. सो हियर यू गाइस इफ यू कैन गो, यू विल फाइंड डिफरेंट ट्यूटोरियल्स रिलेटेड, आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे. सो हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज आप लोगों को मिल जाएंगा. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वन बाई वन, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. ओके सो सिंपली गाइस व्हाट इज SQL, SQL क्या होता है? तो SQL स्टैंड्स
इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम डेटाबेस या फिर इन डेटाबेसेस। सो डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस आते हैं गाइस, लाइक MySQL, SQL सर्वर, MSS एक्सेस, ओरेकल, साइबेस, राइट, इन्फोमिक्स, पोस्टग्रेस, ऐसे बहुत सारे आपको डेटाबेसेस मिल जाएंगे। सो सिंपली आपको डेटाबेसेस के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए वी नीड अ काइंड ऑफ गाइस, हमें क्वेरीज की जरूरत पड़ेगी। तो समथिंग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम लोग क्वेरी लिखेंगे, उस क्वेरी के थ्रू हमारा डेटा डेटाबेस में से रिट्रीव होगा, मैनिपुलेट होगा, स्टोर होगा, समथिंग लाइक दिस गाइस। इन फ्यूचर हम लोग इनको अंडरस्टैंड करने वाले। ओके, तो गाइस मोर ओवर इस काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये कोड की तरह है। नो गाइस, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ कोड, इट इज सिंपली इन अ फॉर्म ऑफ क्वेरी। ये क्वेरी के फॉर्म में रहेगा। सिंपली यू नीड टू अंडरस्टैंड क्वेरी क्या होता है, क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, क्वेरी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इन अ कमिंग अप टाइम। अगेन फॉर योर रेफरेंस गाइज, आई हैव दिस डॉक्यूमेंट, यू गाइज कैन रेफर दिस डॉक्यूमेंट। टुडे इट वॉज जस्ट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू द डेटाबेस। आपके लिए गाइज ऑलरेडी डेटाबेस से रिलेटेड पूरा जो क्वेरीज का डॉक्यूमेंट है, आई हैव दैट डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। कुछ हमने खुद एग्जीक्यूट किए हैं, कुछ गाइज मैंने रेफरेंसेस लिए हैं फ्रॉम W3 स्कूल इटसेल्फ। तो सिंपली आप W3 स्कूल पे जाके भी रेफर कर सकते हो। सो इन कमिंग अप टाइम गाइज, जो हमारा नेक्स्ट कंप्लीट वीक रहेगा, कल से वी विल बी फॉलोइंग दैट। हम उसको गाइज यूज करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्वेरीज कैसे रन होती है। तो गाइस क्वेरीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला गाइस कैटेगरी आता है आपका DDL, एंड DDL stands for डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। गाइस DDL stands for डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसके वर्ड में ही है गाइस, ये डेटा को डिफाइन करता है। इट वर्क्स ऑन द डेटा। डेटा को डिफाइन करने के लिए आपको DDL लैंग्वेज का जरूरत होता है। सो इफ यू गो गाइस, इफ यू गो एंड इफ यू सी W3 स्कूल को ही गाइज मैं ओपन करूंगा फॉर योर रेफरेंस। सो हियर गाइज, अगर मैं सिंपली इफ आई गो एंड इफ आई चेक, यहां पर आपको सिंपली अलग अलग लैंग्वेजेस मिल जाएंगे। ओके, वेयर आर द लैंग्वेजेस, नहीं दिया है कैटेगरीज उन लोगों ने। सिंपली गाइज ये जो सिंपल आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो DDL होता है, DDL stands for data definition language। तो data definition language में simply आप data को create कर सकते हो, simply आप database को create कर सकते हो। You can create the DP, you can create the table, you can rename the table, you can drop the table, you can truncate the table like this। आप कुछ action perform कर सकते हो। We are going to see that। I am not going to directly start with the DB guys। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक यू कम्फर्टेबल टू अंडरस्टैंड कि DB आप पहले इंस्टॉल कर लो, पहले आपको DB का बैक एक्सेस आपके पास होना चाहिए, देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो सिंपली गाइस कल हम लोग कुछ DDL रिलेटेड कमांड सीखेंगे, धीरे धीरे हम लोग डेटाबेस के साथ कम्फर्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट,